आप ये तस्वीरें देख सकते हो, इनको कंपेयर कर सकते हो कि जब मेरा वेट ज्यादा था तो उस वक्त मैं कैसे लगता था और जब मैंने वेट कम किया तो उस वक्त कैसे लगता था। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए व्लॉग में आपको खुशामदेद कहते हैं। आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं ये है वेट लूज प्रोग्राम के ऊपर, कि हाउ टू लूज 5 kg वेट इन 1 month। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस कर सकते हैं और करते भी हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपेरिमेंट जो मैंने खुद से किया हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको वो वाला प्रोग्राम भी बताऊंगा कि आप अपना वेट किस तरह से लूज कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज। तो चलते हैं क्विकली उस रूटीन की तरफ। तो आपको वेट लूज करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा, लेकिन जो मेरी बॉडी के लिए फिट था मैंने वो वाला किया, जो मुझे लगा कि शायद ये मैं कर सकता हूँ। वो ये था कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को कट कर दिया। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर चावल और रोटी, ये दो चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कट कर दी और मैंने शुगर को कट कर दिया। वेट गेन करने में कि हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और स्पेशली हमारे घरों के अंदर कोका कोला, फांटा और ये चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, आई एम रियली सरप्राइज कि उसके ऊपर कोई भी डॉक्टर बात नहीं कर रहा, नॉट इवन डॉक्टर अफान जो बड़े आजकल सेलिब्रिटी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो सेहत के बारे में बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी सो फार मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स को, स्पेशली कोका कोला और इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं, इनको टारगेट किया हो कि एक कोका कोला की बोतल के अंदर एक पूरा कप चीनी का होता है और वो कितना सेहत के लिए खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। बट एनी हो, रोटी कट कर दें, चावल कट कर दें, शुगर कट कर दें। अब करना क्या है, शुगर का अल्टरनेटिव आप यूज कर लें शहद को। अगर आपको शहद मिल सकता है तो वो यूज करें, और अगर नहीं मिल सकता, आप अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी वजह से आपको मिलता नहीं है, तो फिर उसका हल ये है कि आप चीनी की क्वांटिटी कम कर दें चाय के अंदर। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, और अगर आप चाय पीने के आदी हैं तो उसमें चीनी अगर आप 2 चम्मच लेते थे तो आप 1 चम्मच कर दें, अपनी चीनी की मिकदार कम कर दें। अब जब आप रोटी नहीं खाएंगे, आप चावल नहीं खाएंगे, तो आप खाएंगे क्या? तो उसके लिए जनाबे वाला आपको करना ये होगा कि आप या तो खाली गोश्त खाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चिकन पका लें थोड़ा सा, ठीक है, या घर के अंदर अगर पका हुआ तो उसमें से थोड़ा सालन ले लें। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप सैलड तैयार कर लें। अब सैलड में मैं किस तरह करता था, मैं खीरा डालता था, टमाटर डालता था, प्याज डालता था और ग्रीन आइसबर्ग सैलड अगर मिल जाता है, या कोई भी किसी और किस्म का सैलड है ग्रीन पत्तों वाला, तो उसको काट में बीच में मिक्स किया। उसके अंदर मैं थोड़े से चने, उबले हुए चने मिक्स कर लेता था। उसके बाद थोड़ा सा दही डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट के फ्लेवर्स जैसे सोस 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 होते हैं डिफरेंट, वो मैं ऐड कर लेता था। अगर आप ना करो ऐड तो कोई मसला नहीं है, मायोनीज थोड़ी सी ऐड कर सकते हो टेस्ट बनाने के लिए। नमक डाल लें, थोड़ा चाट मसाला डाल लें ताकि फ्लेवर देखें। वेट लूज प्रोग्राम पे आप जब जाते हैं ना तो शुगर कट करते हो तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसके ऊपर, तो वो बड़े मुश्किल होते हैं। उसको कवर्ड अप करने के लिए आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, एक ऐसा बनाना पड़ता है खाने का स्केड्यूल के जिसको खाने में आपको तकलीफ भी ना हो और आपका पेट भी भर जाए। चूंकि हम लोग मसालों के आदी हुए होते हैं, हमारा जो एशियन पाकिस्तानी लोग हैं, हमारा एक टेस्ट डेवलप हुआ होता है कि हम तेज मसाले खाने के आदी होते हैं, तो अगर आप बिल्कुल उनको कट करेंगे, बिल्कुल एक सिंपल सैलड पे जाएंगे तो आपका शायद वो खाने को भी दिल ना करे। तो इस वजह से थोड़ा योगर्ट ऐड करें उसके अंदर, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, कोई भी मसाला वगैरह ऐड करके उसको टेस्टी बना लें, ठीक है। तो वो आप साथ में ले सकते हैं, एक बाउल बना लें सैलड का। इसी तरह अगर आपके घर में चने पके हुए हैं तो चने का एक बाउल सालन का ले लें, ठीक है, साथ में एक सैलड बना लें, योगर्ट वगैरह और मसाले मसूले चाट, वो आपका नाइट के लिए काफ़ी है। सुबह मॉर्निंग में आप डिफरेंट रूटीन्स बना सकते हैं, आप बॉयल्ड एग ले सकते हैं, आप ऑमलेट बना सकते हैं, आप कोई और सब्जियां मिक्स कर सकते हैं। मैं क्या करता था, मोस्टली मुझे जो पसंद थी वो आलू थोड़े से काट लेने, हालांकि आलू के अंदर भी एक बहस है कि कार्ब्स होती हैं और स्टार्च होती है, लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ तो अब खाना था तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेता था या कंप्रोमाइज कर लेता था एक हिसाब से कि मैं आलू, चलो अपने आप को इजाज़त दे लेता हूँ। तो आलू के अंदर थोड़े से
मटर वगैरह थोड़े फ्राई कर लिए, या कोई वेजिटेबल थोड़ा प्याज ज़्यादा डाल लिया, थोड़े उसमें टमाटर ज़्यादा ऐड कर लिए, तो वो ब्रेकफास्ट में। लंच में भी इसी तरह आप अवॉइड करें रोटी को और चावल को। दोपहर के खाने में आप जो भी पका हुआ है घर के अंदर वो ही लें, उसके साथ सैलेड वगैरह कुछ ऐड कर लें, कुछ सूप वगैरह बना लें अगर आप बना सकते हैं। शाम के खाने का टाइम जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप कोशिश करें कि आप शाम 5-6 बजे 7 बजे तक अपना डिनर कर लें, इससे ज़्यादा लेट ना करें। और रात को अगर आपको भूख लगती है, जैसे मुझे अक्सर रात को भूख लगती है, हल्का फुल्का सा बिल्कुल, जो आपको सोने के लिए काफ़ी हो, अगर आप रात को लेट नाइट तक जागते हो, तो गाजर है या कोई मूली है या कोई और चीज़, फ्रूट वगैरह जैसे कोई माल्टा वगैरह संतरा वगैरह आप ले लेते हो, तो आपके पेट को थोड़ा तसल्ला हो जाए। तो ये आप अगर रूटीन बनाते हो, साथ में आप थोड़ी अपनी बॉडी को एक्टिव कर लो, अगर आप थोड़ी फुल्की कार्डियो कर सकते हो या वॉक कर सकते हो एटलीस्ट आधा घंटा, तो वो इससे ज़्यादा इफेक्ट होगा। आप ये वाली डाइट करके देखें 1 महीना। अब इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना, ये डाइट के ऊपर आपने स्ट्रिक्ट रहना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दोबारा अपने चावल और रोटी पे ना जाएं, उसको कट कर लें। मेहनत करनी पड़ती है ऑब्वियसली जब आपने, या फिर आप एक्सरसाइज करें, अगर आपने कार्ब्स थोड़ी लेनी है साथ में, कार्ब्स कट नहीं करनी टोटली, जैसे क्वांटिटी कम करनी है। होता क्या है, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद करते हो चावल रोटी, तो बेसिकली आपका माइंड कंफ्यूज होता है, उसको आदत पड़ी होती है कार्ब्स देने की, उसको समझ नहीं आती कि मैं अब एनर्जी किधर से जनरेट करूँ। खाली गोश्त वगैरह खा रहे होते हो या हेल्दी कार्ब्स दे रहे होते हो, तो उसको वो चीज़ मिल नहीं रही होती। जिस्म जो होता है, माइंड जो होता है, वो जिस्म के अंदर सर्च करता है कि मैं अब एनर्जी किधर से डेवलप करूं, तो वो फिर पकड़ता है उस फैट को जो स्टोर हुई होती है, उस फैट को पकड़ के बॉडी जो होती है उसको बर्न करती है और उससे एनर्जी बनाती है। शुगर एक दूसरा सोर्स है एनर्जी डेवलप करने का, जब आप शुगर लेते हैं तो उससे बॉडी उसको बर्न करके एनर्जी बनाती है। जब आप चीनी को भी रोक देंगे, चावल रोटी को भी रोक देंगे, कार्ब्स को कट कर देंगे, तो आपका मेन सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स का है बॉडी के अंदर वो रुक जाएगा, तो बाकी फिर बॉडी को एनर्जी जनरेट करने के लिए आपकी फैट ढूंढनी पड़ेगी, और आपके जिस्म से फैट लेगा, उसको बर्न करेगा और उससे एनर्जी बना के आपके वेट को लूज करेगा। ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी होती है, ये मैं अपने कुछ वीडियोस के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ओवरले करूंगा, आप देख सकते हो कि जब मैंने वेट लूज किया था, बेसिकली मैंने 2 दफ़ा ये प्रोग्राम किया और दोनों दफ़ा सक्सेसफुल रहा है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हो, इनको कंपेयर कर सकते हो कि जब मेरा वेट ज़्यादा था तो उस वक्त मैं कैसे लगता था, और जब मैंने वेट कम किया तो उस वक्त कैसे लगता था। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं ब्रेक के बाद, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।